भारत और आयरलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 2 रन से जीत लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 139/7 का स्कोर बनाया था। इसके जवाब में टीम इंडिया ने 6.5 ओवर में ही 45/2 का स्कोर बनाया। इसके बाद बारिश आ गई और आगे का खेल नहीं हो सका। एम्पायरों ने डकवर्थ नियम के तहत भारतीय टीम को विजेता घोषित कर दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरे आयरलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही थी। 327 दिन बाद वापसी कर रहे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह पहली ओवर में एंड्रू एब्वालवनी और लॉरेन टक्कर को आउट कर आयरलैंड को बैकफुट में ढकेल दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने हैरी टैकर और जॉर्ज डाकरेल को पवेलियन भेजा। आयरलैंड की टीम पावर प्ले में 4 विकेट खोकर मैच 30 रन ही बना पाई। भारत के लिए वापसी कर रहे बुमराह और कृष्णा ने आयरलैंड को बैकफुट में ढकेल दिया। बीच के ओवर में रवि बिश्नोई ने कप्तान पॉल स्टर्लिंग और मार्क एंडर को आउट कर दिया। 31 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद आयरलैंड की टीम बहुत मुश्किल में देख रही थी, लेकिन मार्क एंडर और कैटरिस कैफन ने 28 रन जोड़ टीम को थोड़ी बेहतर स्थिति में पहुंचाया। एडायर 16 रन बनाकर बिश्नोई का शिकार बन गए। 59 रन पर आयरलैंड के 6 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद मैकार्थी ने कैंपर के साथ 68 की साझेदारी कर टीम को 2 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों ने तेज गेंद 30 रन बनाए। अंत में हरदीप ने कैंपर को 39 रन का स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि मैकार्थी दूसरे छोर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे और अपने T20 करियर का पहला 68 जड़ा। उन्होंने मात्र 33 गेंद में नाबाद 51 रन बनाए और टीम का स्कोर 139/7 तक पहुंचा दिया। 40 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए यशस्वी जायसवाल और युवराज गायकवाड ने भारत को अच्छी शुरुआत तो दी। दोनों बल्लेबाज 38 गेंद में 46 रन की साझेदारी की, लेकिन क्रैग यंग ने अपने पहले ओवर में पहले 23 गेंद में 24 रन बनाने वाले यशस्वी को अगले ही गेंद पर तिलक वर्मा 0 पर आउट कर दिया और गायकवाड़ 16 गेंद में 19 रन बनाकर और संजू सैमसन 1 रन पर नाबाद थे। उस दौरान बारिश आने से खेल रोक दिया गया और आगे का खेल नहीं हो सका और भारत को लैकबर्थ नियम के तहत जीत हासिल करेगी।